रहीम जी स्टूडेंट्स आज हम जो है एम टी एच थ्री जीरो टू का लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री जो है इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो पीछे ट्वेंटी टू लेक्चर हैं वो आपके मिड के लेक्चर थे आज से हम ये फाइनल के लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटस्टिकल डाटा जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टेड जो गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं मार्केट होते हैं रिसर्चर होते हैं या फिर उनके प्लस्टर की जितने भी ओपिनियन वगैरह होती है ना वो सारी की सारी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा में चली जाती हैं ठीक है ठेके? इसकी कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन होती हैं बेसिक तो बेसिक क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली यहाँ पे पाँच पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव जिसमें हमारे पास किसी चीज़ के बारे में बता देना अल्फाज के तौर पर एट्रीब्यूट सेक्स रिलीजन वगैरह जो आ जाते हैं हमारे पास और क्वान्टिटेटिव डाटा जितने भी आ जाते हैं उसमें हमारे पास उनकी तादाद वो डिपेंड करती है जैसा कि हाइट के बारे में कहें या वेट के बारे में कहें उनकी इनकम के बारे में कहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे काउंट करेंगे चीज़ बताएंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे उनको नंबर number, नंबर जो है ना नंबरिंग से हम उसको जो है वो क्लासीफाई करते हैं इस चीज़ के बारे में थर्ड नंबर में हमारे पास आ जाता है जी जियोग्राफिकल आ जाता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ के बारे में उसकी लोकेशन के बारे में जैसा कि प्रोवेंसल आ जाते हैं डिवीज़न आ जाती हैं रिलीजन आ जाते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास किसी चीज़ का मुहित हमारे पास आ जाता है ठीक है हमारे पास आ जाता है जी तो टेम्प्रल आ जाते हैं ठीक है जैसे हम क्रॉडिकल भी इनका नाम भी दे देते हैं और बाई टाइम ऑफ द एक्रेंस जो टाइम सीरीज़ के हिसाब से चीज़ें चलती हैं उनकी अलग से हम क्लासिफिकेशन देते हैं तो अब जी जो क्लासिफिकेशन जो मैंने बेसिक बताई हैं पांच इनकी भी नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक से हटके टाइप होती हैं कि इनको बताने के भी डिफरेंट टाइप जो है ना वो मेथड होते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे देर आर डिफरेंट टाइप हैं तो हम यहाँ पे कुछ उनको डिस्कस करते हैं जिसमें वन वे आ सकता है कि, कि, कि किसी चीज़ के बारे में एक ही राय देना जिसमें पॉपुलेशन आ जाती है किसी चीज़ के बारे में बता देंगे टू वे भी आ सकता है कैटा टाइम <laughs> आप क्या करेंगे किसी भी दो चीज़ के बारे में राय देंगे जैसे कि किसी पॉपुलेशन है दो कंट्री की अगर आप पॉपुलेशन बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे जी कि आपके पास जो यूके में लोगों की जो है ना पैदाइश इतनी है और इसके साथ साथ आप स्पेन कंट्री की देखें तो आप दोनों को कंपेयर करते हुए किसी चीज़ को बारे में क्लासिफाई कर रहे हैं तो आप टू वे में बता सकते हैं उनको ठीक है फिर इस तरह से थ्री वे करैट एट अ टाइम के तीन करैक्टिस जो है ना एट अ टाइम आप बता सकते हैं तो ये डिफरेंट टाइप आ जाती है आपके पास क्लासीफिकेशन की तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आपके पास जितनी भी क्लासिफिकेशन होती हैं ना आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड होते हैं आप टैक्स ठीक है जो आप अल्फाज लिखते हैं उनसे कर सकते हैं मेजॉरिटी जितने भी लोकेटेड रोलर एरिया होते हैं टेबलेटफ में बता सकते हैं डाटा को रो में लिख सकते हैं कॉलम में बता सकते हैं लाइन में बता सकते हैं ग्राफिक बना सकते हैं चार्ट बना सकते हैं तो डिफरेंट आपके पास मेथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के ठीक है उनमें से किसी चांद देख को हम यहाँ पे अभी टाइप ऑफ ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ की भी बहुत सी टाइप है यहाँ पे पिक्चर ग्राफ हो सकता है कॉलम हो सकती है लाइन सर्कल कन्वर्जन हो सकता है ट्रैवल ग्राफ हो सकता है हिस्टोग्राम हो सकता है फ्रीक्वेंसी पोलिजन हो सकते हैं कमोलेटिव तो ये बहुत से आपके पास ग्राफ होते हैं हर एक ग्राफ का मकसद आपका ये होता है कि आपके जो भी क्वालिटेटिव क्वान्टीज़ होती हैं उनकी शक्ल के तस्वीर के साथ यानी कि आपको बता देना ये आपके पास क्या होता है ग्राफिकल फार्म होती है उसके इसमें अगर हम पिक्चर ग्राफ की बात करें <coughs> नाम से ही जा ज़्यादा जैसे हम पिक्टोग्राफ का नाम भी देते होते हैं उसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो भी नंबरिंग होती है ना वो आपने तस्वीर के साथ बतानी है यहाँ पे जो उसने एग्जांपल दिया ना आपके हैंड आउट में उसने कहा है जी कि इन दिस पिक्चर ग्राफ जो है ना वो जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक पिक्चर वो द टेन कार है यानी कि एक कार दस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो अगर मैं उसने कहा जी कार पासिंग स्कूल गेट ड्यूरिंग द डे तो स्कूल के गेट से जो कार पासिस कर रही है ना चार से लेके कर पाँच पी तक तो ये देखें चार से पाँच पी तक का क्या मतलब है <coughs> कि चार बजे से ले कर पाँच बजे तक जो है ना कितनी कार पासेज करती हैं एक कार मुकम्मल है और नेक्स्ट हाफ़ है यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पंद्रह कारें जो हैं इस वक्त जो है ना इस घंटे में गुजर जाती हैं नेक्स्ट अगर मैं दो से तीन की बात करूँ तो देखें तीन कॉरे मुकम्मल हैं यानी कि दस दस तीन तीन दस हैं तो तीस ये बन जाता है और पाँच आगे ले जाते हैं तो थर्टी फाइव जो है ना कार उस वक्त यहाँ से पासिस कर रही हैं तो मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटीज़ को उनकी शक्ल के साथ बता सकते हैं जैसे हम पिक्टोग्राफी का नाम भी देते हैं ये हमारे पास इजी वे होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का ठीक है उसके बाद हमारे पास सेक्ट्रोग्राफ भी होते हैं सेक्टरोग्राफ दर दरअसल हमारे पास सर्कल के ग्राफ होते हैं जिसके अंदर हमने थ्री सिक्सटी सर्कल का टोटल एंगल होता है उसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से एंगल देना होता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है उसको हम बड़ा एंगल देते हैं लेट्स सी के यहाँ पे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो इसमें यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा मैंने फ्रेम जो है ना ये कुछ क्या है एनजी हैं ऑक्यूपेशन हो रहे हैं जो भी एम्प्लॉय हैं एनजी हुई हैं लोगों को तो फॉर्म हैंड्स से सबसे ज़्यादा लोग एंजर हुए हैं जो कि फोटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट बनते हैं ठीक है ये एक मतलब कि बाकी अदर हैं कुछ डिफरेंट टाइप से एंजर हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं ना वो फॉर्म हैंड्स से हो रहे हैं <coughs> तो हम इस ग्राफ से इस एक तस्वीर से बिना किसी लाइंस को बिना किसी ऐसे बड़े से जो है ना आपकी राइट रीडिंग से लिखा हुआ हो उसको पढ़ने से समझने हम तस्वीर से बसानी बता सकते हैं कि किन से ज़्यादा लोग एंजर हो रहे हैं तो सेक्टर ग्राफ जो है ना ये हमारे पास सर्कल का होता है जिसमें हम उनको अंदर डिफरेंट कैटेगरी को हम उनके एंगल के हिसाब से शो करवा रहे होते हैं ठीक है तो इसकी अनदर एग्जांपल भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सेक्टर ग्राफ के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ठीक है या फिर अदर जो हैं जितने भी हैं ये सारे का सारा ग्राफ आपके पास सामने है जिससे हम देख सकते हैं किसी चीज़ की इन्फॉमेसन को बहुत ही आसान तरीके से नेक्स्ट हमारे पास कॉलम और बार आ जाते हैं ग्राफ कॉलम ब्राफ में कॉलम और बार ग्राफ में क्या आ जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉलम के थ्रू भी पेश कर सकते हैं लेट्स ये आपको यहाँ पे देखें तो ये जो कॉलम नज़र आ रहे हैं वन टू थ्री फोर तो ये क्या है परपोशन है आपके पास हाउस होल्ड बाई साइज़ की ठीक है वन में टू में थ्री में तो एक एक कॉलम अपने अपनी वैल्यू बता रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो कितने तक जा रहा है टू वाला कहाँ तक जा रहा है थ्री वाला कहाँ तक जा रहा है तो ये एक कॉलम वे है आपके पास जिसको आप देख के बता सकते हैं कि थ्री वाला इतना है टू तो वाला इतना है आप शक्ल देख के बता सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइन ग्राफ की तो ये लाइन बता रही होती है कि आप मतलब लाइन का मतलब यहाँ पे यह होता है कि ये जो लाइन जा रही है ना आपकी यहाँ पे यह बता रही है कि अगर हम देखें किसी भी स्टूडेंट ऑफ हाइट की बात करें कि विद एज के जो एक साल का है उसका जो सेंटीमीटर में जो है ना उसकी हाइट जो है वो सिक्सटी है जब वो टू का है या थ्री का है सॉरी तो यहाँ पर यह देखें कि जो आपके पास फ़ाइव वाले हैं सिक्स वाले हैं एट वाले हैं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उनका हाइट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है तो ये क्या है एक लाइन बन रही है यहाँ पे जो कि हम बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली चीज़ जा रही है कि आपको बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जो है एज बढ़ रही है वैसे वैसे, वैसे उनको स्टूडेंट की हाइट बढ़ रही है तो ये भी एक लाइन जो है ना रिप्रजेंटेशन मेथड है आपका किसी भी डाटा को रिप्रजेंट करने का ठीक है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि ये भी हमारे पास लाइन का ही है और ये जो आपको आ रहा है ये हमारे पास हमने देखा था कि डिफरेंट मेथड में एट अ टू टाइम भी हम लाइन को यूज़ कर सकते हैं इसमें अब अगर यहाँ पे देखें तो मल्टीपल सीरीज़ चल रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये स्पेन और इटली के दो शहर हैं उनकी जो है ना वो पॉपुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कुछ कि ये दोनों की एट अ टाइम बताई जा रही है कि उनकी उस वक़्त कैसे सीरीज़ चल रही है और दूसरे कंट्री की किस तरह चल रही है इसे कंपेयर करके हम यहाँ पे देख सकते हैं तो आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा ऑल द बेस्ट